क्या आपको पता है कि दुर्गा भाभी कौन थी, मातंगी हजारा कौन थी? ये और ऐसी तमाम महिलाओं के योगदान के बिना शायद आजादी का ख्वाब अधूरा ही रह जाता। दुर्गा भाभी। दुर्गा भाभी आजादी की लड़ाई में क्रांतिकारियों की मुख्य साथी थी। वो क्रांतिकारी भगवती चरण वोहरा की पत्नी थी। दुर्गा भाभी का मुख्य काम क्रांतिकारियों के लिए पिस्तौल लाना और ले जाना था। भगत सिंह से लेकर चंद्रशेखर आजाद तक को कई बार दुर्गा भाभी ने मुसीबत से निकाला। उन्होंने गवर्नर हैली और मुंबई के पुलिस कमिश्नर पर गोलियां भी चलाईं। 1999 में दुर्गा भाभी का गाजियाबाद में निधन हो गया था। मातंगिनी हाजरा। मातंगिनी हाजरा को पश्चिम बंगाल में गांधी बूढ़ी के नाम से जाना जाता था। 60 साल की उम्र में मातंगी हाजरा ने आज़ादी के आंदोलन के लिए लोगों को प्रेरित किया। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान तामलुक में एक प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने फायरिंग की, लेकिन गांधी बूढ़ी पीछे नहीं हटी और अपनी जान देश के नाम न्योछावर कर दी। आबादी बानो बेगम। लोग उन्हें प्यार से बी अम्मा बुलाते थे। एक रूढ़ीवादी मुस्लिम परिवार से होने के बावजूद वो आज़ादी की लड़ाई में हिस्सेदार बनी। अपने स्वाधीनता सेनानी बेटे के गिरफ्तारी के खिलाफ बी अम्मा ने पर्दे के पीछे से लखनऊ में एक रैली को संबोधित किया। मूलमती। एक बेहद गरीब परिवार की महिला मूलमती रामप्रसाद बिस्मिल की मां थी। काकोरी कांड के बाद जब रामप्रसाद बिस्मिल को फांसी की सजा सुनाई गई तो वो उनसे मिलने पहुंची। अपने बेटे से आखिरी बार मिलने पर मूलमती ने कहा कि उन्हें अपने बेटे पर गर्व है। फांसी के बाद उन्होंने कहा कि वो अपना दूसरा बेटा भी देश के लिए कुर्बान करने के लिए तैयार हैं। उषा मेहता। 8 साल की उम्र में उषा मेहता ने ब्रिटिश राज के खिलाफ साइमन गो बैक के नारे लगाए। उसके बाद 22 साल की उम्र में कानून की पढ़ाई छोड़कर गांधी जी के नेतृत्व में स्वाधीनता आंदोलन में पूरी तरह शामिल हो गई। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उन्होंने खुफिया कांग्रेस रेडियो का संचालन किया, जिसके बाद उन्हें जेल भी जाना पड़ा। दुर्गाबाई देशमुख। दुर्गाबाई देशमुख ने आज़ादी के आंदोलन में काफ़ी अहम भूमिका निभाई। उनके नेतृत्व में कई सत्याग्रह किए गए और वो कई बार जेल भेजी गईं। आज़ादी के बाद उन्होंने कई सामाजिक समस्याओं के लिए भी काम किया। वो प्लानिंग कमीशन की सदस्य भी बनी। पार्वती गिरी। पार्वती गिरी को ओडिशा की मदर टेरेसा कहा जाता है। 16 साल की उम्र में वो आज़ादी के आंदोलन की हर गतिविधि में सबसे आगे रहती थी, खासतौर कर भारत छोड़ो आंदोलन में। उन्हें इसके लिए 2 साल की जेल भी हुई। आज़ादी के बाद उन्होंने अपना समय समाज सेवा में लगाया। ब्यूरो रिपोर्ट, गो न्यूज़।